होली का जश्न मनाकर घर के बाहर टहल रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी चलाया, जिसमें महिला, विकलांग, बीमार और बच्चों को चोटें आई हैं। बीती रात की घटना के बाद आज सुबह से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलकर सड़क का जाम कर दिया है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों ने सड़क पर आगजनी पर पुलिस पर नशे में लोगों को बेवजह पीटने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि करीब 4 गाड़ियों से पुलिस ने लोगों को घर में जाने को कहा, साथ ही घरों में घुसकर लाठियों से लोगों की जमकर पिटाई भी। पुलिस ने महिला, विकलांग, बच्चों और बीमार को भी नहीं छोड़ा। बाद में जब लोग इकट्ठा हुए और बर्बरता का विरोध किए, तब पुलिस के जवान अधिकारी अपनी लाठी को छोड़ वहां से भाग निकले। ग्रामीणों ने पुलिस की पिटाई के निशान को दिखाते हुए पुलिस पर बेवजह लोगों पर बर्बरता ढाने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि पुलिस के सभी जवान और गाड़ियों के चालक नशे में धुत थे। ड्राइवर था रंजीत, तो वो बहुत गाली दिया, गंदा गंदा। प्रशासन कल पूरा फुल टाइट था और जितना भी लेडीज है सब। थाना क्षेत्र के थेलेसरी चौकी स्थित बेतिया मोतिहारी मुख्य पथ पर छपवा से बेतिया की ओर जा रहे बाइक चालक व बाइक सवार अचानक गिर गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों लाल सरैया कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय प्रदीप कुमार शुक्ला बताए गए हैं। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को बेतिया MJK अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR22AS9808 है। स्थानीय चिकित्सकों की माने तो घायलों की स्थिति नाजुक देख प्राथमिक उपचार कर बेतिया रेफर कर दिया गया। R9 भारत के लिए मनीष कुमार रिपोर्ट, मछौलिया, पश्चिम चंपारण। सरपंच प्रतिनिधि मनोज तिवारी ने किया होली मिलन समारोह पर पत्रकारों का सम्मान। ठकराहा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मनोज तिवारी की ओर से श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सरपंच प्रतिनिधि मनोज तिवारी ने पत्रकारों को सम्मानित किया, साथ मिठाई खिलाकर फूलों की माला पहनाकर सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स इत्यादि देकर होली का दहन व होली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर पर्व त्योहार में अपने परिवार को छोड़कर तथा हर सुख दुख में पत्रकार समाज के साथ रहते हैं, इनके लिए कोई कुछ नहीं करता, इसलिए उन्हें पत्रकारों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया, आयोजन करने के लिए निर्णय लिया। समारोह में उन्होंने कोरोना के सेकेंड वेव को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि अपील करूंगा कि आप लोग सरकार के COVID-19 गाइडलाइन का पालन करें, साथ ही होली मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए निर्देशित नियमों पर अक्षता पालन करें। कहा कि अगर हम लोग ठीक से रहेंगे तो अगले वर्ष और भी अच्छी तरीके से उत्साह व उमंग के साथ होली मना सकेंगे। इस होली मिलन समारोह में पत्रकार चंद्र प्रकाश तिवारी, विनय पाठक, मिथिलेश गुप्ता, झुन्नू पांडे, विकास तिवारी, धीरज श्रीवास्तव आदि तमाम लोग शामिल रहे। R9 भारत के लिए धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, टकराहा। योगा पट्टी के नवलपुर थाना क्षेत्र के डडवा पंचायत के वार्ड नंबर 5 दुदियावा में गांव के एक पेड़ से लटकता नव युवक का शव मिला। घटना की सूचना पर पहुंची नवलपुर थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर बेतिया पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान चौकट राम का 19 वर्षीय पुत्र छठू राम के रूप में की गई। वही नवलपुर थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। वही थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक इस मामले में परिजनों ने किसी का भी नाम नहीं बताया। मौत के कारण का खुलासा अभी भी नहीं हो पाया है। R9 भारत के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट, योगा पट्टी। समाज के ठेकेदारों द्वारा योगा पट्टी थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला व उसके प्रेमी को बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। योगा पट्टी थाना क्षेत्र में महज 5 किलोमीटर की दूरी पर एक विवाहिता व उसके प्रेमी को टायर गाड़ी से बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है, महिला को पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। वहीं महिला के ननद के शिकायत पर पुलिस कार्रवाई की, लेकिन कानून को हाथ में लेने वाले समाज के ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं, जो कानून को अपने हाथों में ले रखे हैं।